की हो यार मान, इने गुस्से च क्यों, की गल होगी? रस्सी जल गई पर लोकां दा बल नहीं गया हल तक। होया की नाले की दी रस्सी की दा बल? मैं किसी भी तरीके ना देशो दी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, तू वेखी चल हुंदा की। वैसे तो मैं उहदी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुकिया, पर मैनू हले ना सुकून नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही। मैं उदों ही खुश रहूंगा जदों वह बर्बाद हो जाएगी, तू वेखी चल। पर तुसी कहना की चाह रहे हो अरमान? तेनू पता है रणवीर ने देशो तो तलाक मंगया। सच्ची? तुसी सच्ची कह रहे हो अरमान? ओ, 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 तू किधर? अरमान इन्ने दिनों बाद कुछ चंगी खबर सुनने नु मिली है। सच दसा तो मेरे कान तरस गए सगे, पर हुन उस देशो नु मैं दसांगी कि मैं की चीज हां। नहीं बिल्कुल नहीं, एहो जी गलती करन बारे सोची भी ना, हले खड़ जा। क्यों अरमान, इस दिन दा सी कितनी बेसब्री ने इंतजार किया है, देशो दी बर्बादी ते तुसी मेनू ओदे जख्मां ते लून छिड़कन तो रोक रहे हो, क्यों अरमान? यही तो गल है जो मैं भी चाहना, पर हले नहीं, हले वो सही टाइम नहीं आया। देशो नू कन्नो कन खबर नहीं होनी चाहिए कि सानू इस सब बारे पता है। हले मैं थोड़ी जांच पड़ताल कर लैन दे, देशो नू बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उहदे तलाक के पिछे साडे दोनों का हाथ है। ठीक है, हले टाइम आउंदे फिर मैं दसूंगा उन्हें। उहदी मैं घरेलू जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा, हौली हौली मैं उहदी समाजिक जिंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगा। नाले इस सब वास्ते सानू बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वह पैसा मिनी कोलों आएगा। देशो ने मेरे भरोसा करके बहुत वड्डी गलती कर ली है, तू वेखी मैं उहदे टेंडरस का की हाल करदा। उहदे सारे टेंडरस मैं किसी होर कंपनी नूं वेच दूंगा ते ओ कंपनी मेरी होएगी, नाले साडी कंपनी ते ओदे रेट्स बहुत घट होणगे, ते मैनूं उम्मीद आ कि असीं जरूर जीतांगे। मैं इन्हां दिनां दा ना कद तों इंतजार कर रही सी अरमान, फाइनली ये सब कुछ हो रहा है, ते हुण उस देशों नूं मैं दसांगी कि मैं कौन। सर चाह थोड़े ले। मैं तेनू कहा है ना तू जा इत्थों। अब देविका आई एम सॉरी, मैं माफ कर दे, मैं गुस्से च पता नहीं तेनू की कहता, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना आपा किवें खो सकता, मेरे तो गलती हो गई, मैं माफ कर। किसी होर का गुस्सा किसी होर ते कढ़ना चंगी गल तो नहीं है ना। एक गल कह रणवीर सर, तुसी पहले इदां दे इंसान हो जो गलती करके मेरे तो माफी मांग रहे हो, असल च गलती तो मेरी है जो मैं थोड़े दोवां दे विच आ गई, आखिरकार मैं तीजा इंसान हाँ ते मेरा कोई हक नहीं बनता थोड़े मियाँ बीबी दे विच आउंदा। देविका लगता तू फिल्मा बहुत देख रही है ताही ये डायलॉग मारती, तू कोई तीजा इंसान नहीं बल्कि तू साडे घर का हिस्सा है। ते रही गल गुस्से दी, गुस्सा भी तो अपने ते किता जांदा ना ठिकाने ते, मैं गलती कीती है ते मैं हुण माफी भी मंग ली, तैनू हुण मैनू माफ करना ही पैना, गल खत्म। ठीक है सर, जे तुसी इन्नी जिद कर रहे हो तो मेरे दिल से तुहाडे लई कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं तुहाडा माफीनामा कबूल किया। एक गल होर देविका, तू मेरी मदद करेंगी? ये तलाक के कागजा वाली गल ना तू राजी रखी, ये एक्चुअली साडा पारिवारिक मामला, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ना साडे तलाक बारे गल करे, मैं नहीं चाहता कि साडा परिवार किसी भी मुसीबत च आए। मेरे तो देशो जी दे इस राज नू बस तू ही जानती, तू इस गल नू राज रखेंगी ना? ए चाह मेरे लिए? हाँ थैंक यू। तुहानू पता है अपने गुआंढियों की नूह नूं तां रोटी पकाउणी भी नहीं आउंदी। मैं गई सी परसों, रोटियां पका रही सी सारियां कच्चियां,
जद मैं उन्हें कहा यह तो कच्चिया ने केंदी ए एदा दी हुंदियां हे बाजरे दी रोटी आ। हाँ दीदी मैं भी देखी सी उन्हां दी नूं, मैनूं तां बड़ी प्यारी लगी कुड़ी। बाकी हसबैंड वाइफ खुश होने चाहीदे आ, दुनिया दा की है कुछ भी कहंदी रवे कुछ भी करदी रवे। ए तां तूं बिल्कुल सही कह रही आ, मियां बीबी राजी ते की करूगा काजी। चलो बई मैं तां हुण थक गई आ, मैनूं तां नींद आ रही है, मैं चलदी आ हुण। ओके देशो, ओके रणवीर पुत्र, मैं चलदी हाँ, गुड नाइट। तुसी भी दोनों सुबह दे मेहनत करन लगे हुए हो, थक गए होंगे, तुहानू भी रेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी मम्मी जी, वो एक्चुअली ना मैनू बहुत काम है, मैं हॉल च ही रुकूंगा ते अपना काम पूरा करूंगा। चलो मैं भी चलदी हाँ सौन, मैनू बहुत नींद आ रही है। तुसी सारे करो गल्लां बातां, सारिआं नू गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ? ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਮੋ ਮਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਫਾਈਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਂ, ਦੇਵਿਕਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਦੇਵਿਕਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵਿਕਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਮ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖ ਦੇਵਿਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਦੇਖ ਦੇਵਿਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ठीक है, तेनू हर एक प्रॉब्लम चो बाहर कढ़ सकदा, पर ये सब उदों ही होगा जे तू दिलों चाहेंगी तां ते तू मेरा साथ देंगी। तुहानू यकीन है कि ये सब करन नाल रणवीर सर मेरे हो जाएंगे? रणवीर? रणवीर तो तेरा होगा ही होगा, उहदे नाल नाल तेरे को बहुत सारा पैसा भी होगा। बाकी तैनू मैं एक गल होर दस दिया, इहदे नाल नाल ना तू अपनी पूरी जिंदगी ऐश नाल कटेंगी। बाकी ये सब ताई हो सकता है जे तू चाहे। मैं सिर्फ रणवीर सर की लोड़ है, मैं उन्होंने फिक्र करती हाँ, तो मैं चाहनी हूँ कि सिर्फ उही मेरे नेड़े आ। जे तू मेरा साथ देंगी तो यह सब हो सकता है, रणवीर तेरा हो सकता है, पर उसके वास्ते तेनू मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ सर, मैं थोड़े नाल हाँ, रणवीर सर नू पाने लई मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। देविका, ये डिसीजन तेरा है, तो ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। इस फैसले के नाल नाल तेरे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। तो जे तू इदी बैठी रहेंगी ना हाथ हाथ धर के तो कुछ नहीं होना, फैसला तेनू लेना पैना। इस फैसले नाल तू सारा कुछ कर सकती है जो तू चाहनी है, तो यही सही टाइम है फैसले का, तेनू मैं दस दें। पर सर मैं ऐसा हैंडल कर पावांगी? देख मैनू पता पहला तू इस फैसले तो थोड़ी नर्वस सी, पर तेनू हुण कोई टेंशन लैण दी जरूरत नहीं है। मैनू पक्का यकीन है कि तू यह फैसला बिल्कुल ठीक लिया, तो नाले यह फैसला बिल्कुल सही साबित होएगा। ठीक है सर, है आइडिया तो बहुत वधिया, मैनू कोई बुरा भी नहीं समझेगा, तो मेरे वल किसी की नज़र भी नहीं पाएगी, तो काम भी हो जाएगा। पर गल ना इतने खत्म नहीं होएगी देविका, तेनू मेरी इंस्ट्रक्शनस मननिया पैनगियां। एक गल होर सोच लै, जे तू इस टाइम अगे कदम वधाता तो पिछे हटन का कोई चांस नहीं है। मैनू पता है सर, तो मैनू यह भी पता है कि देशू मैम तो रणवीर सर के हले भी कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो दोनों हले भी डिवोर्स बारे सोच रहे हैं, तो मैं भी उही करूँगी जो मैनू सही लगेगा, जिदे च रणवीर सर की खुशी है। जितों तक मैनू लगता है उन्हों का कट्ठे रहने का कोई इरादा नहीं। बिल्कुल, वो इस टाइम एक दूजे का बोझ नहीं चल सकते, पर तू तो रणवीर नू यही हेल्प करनी है ना कि वो इस चीज़ को सच समझ सके ते अगे वध सके, ते इहदे विच कुछ गलत नहीं हैगा देविका। पर फिर भी सर मैं उन्हां दीआं फीलिंग्स नाल खेड ही रही हाँ ना। नहीं नहीं देविका, बिल्कुल तू किसी की फीलिंग्स नाल नहीं खेलती, जे रणवीर दे दिल च तेरे वास्ते फीलिंग्स आ तां ही तां गल इत्थे तक पहुंची है ना। शायद यही तुहाडे दोनों वास्ते बहुत वधिया मौका है, नाले तेरी इस कोशिश दे नाल रणवीर नू बहुत वधिया फील होएगा। बस तू सारा कुछ ना सही टाइम ते कर। ठीक है सर, जदों भी रणवीर सर कला महसूस करेंगे मैं उन्होंने नाल ही होगा। अरमान, अरमान। अच्छा देविका, रात बहुत हो गई है, ठीक है अभी सवेरे मिलकर गल करते हैं, चल गुड नाइट बाय। काश देशू जी, काश तुसी मेरे दिल का हाल समझ सकते। आखिर की कमी रह गई सी, तुसी ऐदा क्यों किता है मेरे नाल? जे तुसी एक बारी कह देंदे ना है आसमान तो तारे लिआउंदा तुहाडे लई, ये तुसी मेरे नाल सही नहीं किता, बिल्कुल सही नहीं किता। भूल गई कि अपना प्लान की सीगा कि आपां मिनी दे सारे पैसे इस्तेमाल करने अपने प्लान वास्ते, सानू साडे प्लान वास्ते वध तो वध पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है अरमान, आई नो कि आपां मिनी दा पैसा इस्तेमाल करना है, पर तुहानू तां पता ही ना मैं हमेशा तुहाडे नाल आ, नाले मिनी दे पैसे तो बाद साडे कोल होर किन्ना पैसा हो जाएगा, इन्ना पैसा कि सारी उम्र ना पैसा वर्तियां खत्म नहीं होना। पर सिंपल
मैनू ना तेरा पैसा भी चाहिए होगा क्योंकि आप अपना नवा बिजनेस स्टार्ट करना ना ते कंपनी भी खोलनी अपनी। हाँ ते अरमान तुसी मिनी दा पैसा लेता रहे हो फिर तो मेरे पैसे की की लोड़ है। अरमान मिनी दा उद्दा ही बहुत अमीर है उदे बाप कुल कितना पैसा है हाले आप मिनी दे पैसे नु इस्तेमाल करते ना साडे कोल ना इस तो वधिया कोई राह नहीं हो सकता मिनी दे पैसे नु इस्तेमाल करन दा जे वो इन्नी अमीर है ता भी थोड़े कोल उदा पैसा घट रहा फिर वो कादी अमीर हुई अरमान नाले मेरी गल सुनो जे मैं अपना पैसा बिजनेस ते इन्वेस्ट कर देनी हो हाले ए भी तो हो सकता है कि साडा बिजनेस शायद ना चले तो फिर आप अपने पैसे नु क्यों वेस्ट करिए नहीं लोड़ ना कितने चले गए तुहानू अपना कमरा छट के जाने की कोई लोड़ नहीं मैं ही जा रही हूं इस कमरे चो जे तुसी मेरे नाल नहीं ना रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकती ईशु जी ये तुसी की दावे कर की साबित करना चाहते हो तुसी कि तुसी बहुत चंगे वाइफ हो ते मैं बहुत माड़ा हस्बैंड की विखाना चाहते हो तुसी सारे नू कि तुसी मेरी बहुत बहुत ही फिक्र करते हो कि तुसी अजे भी नाल रहना चाहते हो ते इस रिश्ते नू बचाना चाहते हो मैं तुहानू परेशान नहीं करना चाहती मैं देशो मैम नू गेस्ट रूम च देखिया सी उन्होंने ही मैनू कहा सी मैं जाके एक बार चेक कर ला देविका तेनू की लगता है उन्होंने मेरी फिक्र भी है सच पूछो था मैनू भी कदे कदे लगता है कि देशो मैम के दिमाग च कुछ होर ही चल रहा है उन्होंने ध्यान पता नहीं कितने रहा है मतलब कि इस बारे तेनू भी यही लगता है जो मैनू लगता है मैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस बारे सर तुसी कितने ही परेशान हो देविका देर बहुत होगी तू भी थक गई होगी जाके आराम कर गुड नाइट गुड नाइट सर देखन गई सी कि रणवीर सर ठीक ने तेनू मैनू झूठ बोलन की जरूरत थी है मैनू पता है तू कित्थे गई सी तू रणवीर सर नू पानी का गिलास देन गई सी ना वो कल्ले सी कमरे च उत्थे मैं नोट भी देखा सी देशो मैं सब कुछ जानती हाँ सब कुछ जानती हाँ तो मैं समझती हाँ सर भी ठीक ने मैनू उम्मीद है कि रणवीर सर का गुस्सा ना हुण जल्दी ठंडा हो जाएगा फिर तेनू भी इदा साढ़े झमेलिया च पैन की लोड़ नहीं पैनी चल रात काफ़ी हो गई है तेनू हम सो जाना चाहिए सवेरे तू ऑफिस भी जाना है देशो मैम मैनू साफ साफ दिखता है कि रणवीर सर तुहानू नहीं चाहते मैनू पता है कि तुहाडा इस टाइम की हाल हुंदा होगा तुसी दोवें बहुत चंगे हो पर एक गल कहां मैनू लगता है कि तुसी एक दूसरे लिए बने ही नहीं हो पर जे मैं थोड़ी जगह होंगी तो मैं रणवीर सर की कभी वेट ना करती तो मेरे ख्याल नाल तुहानू भी नहीं करनी चाहिए थोड़े को सब कुछ है पैसा है बच्चा है तो तुसी उहदे नाल जिंदगी बिताओ किसी का इंतजार क्यों करना तेनू पता है देविका रणवीर सर ने ना मेरे नाल व्याह करवाउण लई बहुत इंतजार किया सी ते जदों साडा व्याह होया ना मैं उन्होंने छड्ड के चली गई सी पर हुण नहीं हुण मैं उन्हां दा गुस्सा ठंडा होण दा इंतजार करूंगी क्योंकि मैनू पता है उन्हां दे दिल च किते ना किते हजे भी मेरे लिए प्यार है मैं तेरी गल समझ रही हूँ कि
हर इंसान की अपनी कनक होंगी है तो उस ना हूँ मैं रणवीर सर की जिंदगी अपने आप को थोपूंगी नहीं मैं उदों तक उन्होंने इंतजार करूंगी जो तक रणवीर सर खुद नहीं कह देंगे कि उन्होंने मेरी जरूरत है मैं उन्होंने छड़ के कितने नहीं जाऊंगी मैं बस उन्होंने इंतजार करूंगी ए तो टाइम ही दसूगा देशो मैम कि कौन किदा इंतजार करता